नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। आप सुन रहे हैं सतरंगी सफर आरजे विनोद के साथ। शाम है, बुधवार की, वक्त हो चला है 8 बजे का, घड़ी की सुइयां बढ़ती जा रही हैं आगे, हम और आप भी बढ़ रहे हैं आगे आपके अपने इंद्रधनुषीय कार्यक्रम सतरंगी सफर के साथ। कीजिए स्वीकार नमस्कार आरजे विनोद का। निश्चित रूप से श्रोताओं, आप सभी ने 21 जून दिन रविवार को मनाया होगा विश्व योगा दिवस। इंटरनेशनल योगा डे के शुरुआती भाषण को देने आए हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 36,000 भारतीय जनता के जोश को देखते हुए अपने जोश को भी रोक ना सके और पहुंच गए जनता के बीच स्वयं योगा करने। 192 देशों के साथ बन गया यह विश्व रिकॉर्ड। इस रिकॉर्ड को बनते देख आश्चर्यचकित थे स्वयं उपस्थित दिल्ली के राजपथ पर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। श्रोताओं, हम तो ये चाहेंगे कि आप केवल इस दिवस पर नहीं योगा को करें अपनी दिनचर्या में शामिल, रोजाना करें योगा। इससे रहेंगे आप तंदुरुस्त और रहेगा हमारा देश भी मजबूत। इस दिन और कुछ खास था, योगा के बाद तुरंत हुई बारिश, मौसम हो गया सुहावना। इस सुहावने मौसम में एक घटना ने इस दिन को और खास बना दिया। आरएसएस के एक प्रकल्प समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल ने मनाया अपना स्थापना दिवस। यह स्थापना दिवस मयूर विहार फेस 1 दिल्ली के भगवत धाम मंदिर में आयोजित किया गया। इस समारोह में जहां वरिष्ठ स्वयं सेवकों ने भाग लिया, वहीं भोपाल मध्य प्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के उपकुलपति प्रोफेसर बी के कोठियाल साहब भी शामिल हुए। प्रोफेसर बी के कोठियाल ने एक पुस्तिका का किया विमोचन, जो है एक काव्य संकलन जिसका नाम दिया गया है बहारों की दुनिया। इसकी लेखिका कवयित्री उषा राठौर स्वयं स्टेज पर मौजूद थीं। पुस्तक विमोचन के बाद हमारा दिल नहीं माना, हम पहुंच गए स्टेज पर और अपने विषय में बताते हुए कवयित्री उषा राठौर से हमने जानना चाहा उनकी इस पुस्तक के विषय में, तो वह सहृदय तैयार हो गई हमारे सतरंगी सफर के श्रोताओं के लिए साक्षात्कार के लिए, और उन्होंने अपनी पुस्तिका बहारों की दुनिया के विषय में क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। कार्यक्रम सतरंगी सफर में कवयित्री उषा राठौर का आरजे विनोद स्वागत करता है। नमस्कार मैडम। नमस्कार। सक्षम संगठन के स्थापना दिवस के अवसर पर आप भगवत धाम मंदिर में उपस्थित हैं। आपका एक काव्य संकलन, जो पुस्तक मेरे हाथ में है, इस पुस्तक का नाम है बहारों की दुनिया। इसका विमोचन अभी स्टेज पर आपके साथ किया माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के उपकुलपति डॉक्टर बी के कोठियाल साहब ने। आपको कैसा महसूस हो रहा है अपनी पुस्तक के विमोचन के बाद? मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ।
मैं जानना चाहूंगा कि आपने जो इस अपने काव्य संकलन को नाम दिया है बहारों की दुनिया, इसके पीछे भाव क्या है? ये प्रकृति से जुड़ी हुई कविताएं हैं और इसको इनको पढ़ के बहुत आनंद आता है। तो क्या आप काव्य बचपन से ही लिख रहे हैं या बीच में कभी आपको किसी से प्रेरणा मिली और आपने काव्य लिखना शुरू कर दिया? नहीं, खुद ही प्रयास किया है मैंने शब्दों को जोड़ने का। मातेश्री माँ सरस्वती जी की कृपा है मुझ पर। तो ये पुस्तक आपकी पहली पुस्तक है या इससे पहले भी कोई पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है? ये पहली हुई है और काफी रचनाएं हैं मेरे पास जो हिंदी अकादमी के लोगों ने देखी है और वो कहते हैं कि आपकी 6-7 पुस्तकें बनेंगी इसकी। तो आपका जो श्रृंगार रस है, काव्य संकलन है ये, इसके प्रकाशन के लिए आपको कितना प्रयास करना पड़ा या आराम से बहुत ही आसानी से काम हो गया ये? मैं हिंदी भवन में गई थी तो वहाँ प्रकाशक साहब मिले थे कार्यक्रम के दौरान जी, तो उन्होंने कहा कि भी आपकी रचनाएं ठीक है, उन्होंने प्रेरणा दी मुझे और उन्होंने ये कार्य किया। उन्होंने आपकी रचनाओं को प्रकाशित कर दिया, एक पुस्तक तैयार कर दी आपकी। हम चाहेंगे ये पुस्तक के और खंड जल्द से जल्द प्रकाशित हों। तो हमने सुना है कि आप गाती भी बहुत अच्छा हैं और ये भी सुना है कि आपने अपनी एक ऑडियो सीडी भी तैयार की है, तो आप भजन कब से गा रहे हैं और म्यूजिक कहाँ से? सीडी मैंने 2 तैयार की है, भजनों की और माता की भी जी। तो संगीत की शिक्षा कहाँ से ली आपने? संगीत की शिक्षा मैंने ली नहीं, वो सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ। वाह, तो सरस्वती माँ ने आपकी वाणी में वास किया है, तो हम चाहेंगे कि क्या कोई अपना एक भजन मुझे सुना पाएंगे आप जो हमारे सतरंगी श्रोताओं तक पहुंच पाए? जी जरूर। मधुर आवाज पाई है और संगीत आपने कहीं से सीखा नहीं, उसके बावजूद भी बहुत ही सुर में गायन किया है आपने। अब हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को, जो कि काव्य संकलन आपका निकला है, उसी में से कोई एक कविता आप सुनाना चाहें। जी जरूर सुनाऊंगी मैं। स्वागत है। एक ये गीत प्रस्तुत कर रही हूँ, चाहे इसे गजल कहिए, कि रात जाती रही सुबह आती रही। वाह। रात जाती रही सुबह आती रही, जिंदगी यूं ही मुस्कुराती रही। रात जाती रही सुबह आती रही, हम अंधेरों में जीने की आदत नहीं, हम करते किसी की बगावत नहीं। हमें अंधेरों में जीने की आदत नहीं, हम करते किसी की बगावत नहीं। पुरानी रीतें ध्यान से निभती रही, नए दौर की बातें भी चलती रही। पुरानी रीतें ध्यान से निभती रही, नए दौर की बातें भी चलती रही। रात जाती रही
शहर के दे, दिल की तमन्ना न दिल में रहे, नए जमाने के साथ लगे कहे कहे, कोई गीत तो कोई कहानी सही, कुछ तुमने कही कुछ हमने कही, कोई गीत तो कोई कहानी सही, कुछ तुमने कही कुछ हमने कही, रात जाती रही सुबह आती रही, जिंदगी यूं ही मुस्कुराती रही, रात जाती रही सुबह आती रही, धोखेबाजों के धोखों से हम ना डरे, कदम मंजिल की ओर बढ़ते चले, धोखेबाजों के धोखों से हम ना डरे, कदम मंजिल की ओर बढ़ते चले, कभी हार रही कभी जीत रही, रात धुंधली सही रात उजली सही, कभी हार रही कभी जीत रही, रात धुंधली सही रात उजली सही, रात जाती रही सुबह आती रही, जिंदगी यूं ही मुस्कुराती रही, रात जाती रही। वाह, बहुत ही मधुर वाणी में वाचन किया आपने अपने काव्य का। अब हम जानना चाहेंगे थोड़ा सा आपकी दृष्टि बाधिता के विषय में कि यह बाधा आपको कब आई, बीच में आई या बचपन से ही आप दृष्टि बाधित रही? नहीं, बचपन से तो नहीं हूँ, ये कई वर्ष पूर्व मेरा एक्सीडेंट हो गया था, दुर्घटना हो गई थी जी। तो उस दौरान जो है मेरी आंखों में चोट भी लग गई थी और रेटिना डिटैचमेंट हो गया, जो कभी ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती जी, जी, जी। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है जी जी, उससे आपकी रोशनी जाती रही, धीरे धीरे रोशनी चली गई। तो वर्तमान में अगर मैं आपकी थोड़ा सा निजी जिंदगी की ओर झांकूं तो जी। तो आपके परिवार में और कौन कौन है? पति देव है और बच्चे हैं। तो आपके हस्बैंड भी कुछ करते हैं? जी बिल्कुल, वो तो प्रधानाचार्य रहे हैं, रिटायर्ड हैं जी, और बाद में उनके अच्छे कार्यों के लिए उनको नेशनल अवार्ड भी मिला, 2-3 बार उनको स्टेट अवार्ड मिले जी, और बाद में उनको गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया था। वेरी गुड जी। तो आप अभी अपने इसी प्रोफेशन में आगे बढ़ रही हैं और गृहस्थी में ऐसा समय कैसे निकाल लेते हैं आप? अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं, सब कोऑपरेट करते हैं खाना बनाने में और मेरा तो इसी क्षेत्र में प्रयास रहेगा और मातेश्वर जी से यही प्रार्थना भी करती हूँ। तो आप भी इस पुस्तक को ब्रेल में करना चाहेंगी जिससे कि आपके अन्य दृष्टिहीन साथी भी लाभान्वित हो पाए? हाँ, मैं जरूर चाहूंगी इसको ब्रेल में किया जाए जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर, थैंक यू, धन्यवाद। तेरे बिना जिंदगी से कोई
कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, बिट्टू। हाँ यार, तू आया नहीं। मैंने कल बताया था कि इंटरव्यू के जाना, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? हाँ यार बस आ गया, 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं बस तेरे पास। हेलो। हाँ यार बिट्टू, 5 मिनट रह गए, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? बस यार बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, तू बस वेट कर, आ गया मैं। अब नहीं आओ, अब नहीं आओ, निकल गई ट्रेन, 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 निकल गई ट्रेन। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि No cane, no game. आप सुन रहे हैं सतरंगी सफर, आरजे विनोद के साथ। श्रोताओं, आप सभी ने निश्चित रूप से कवित्री उषा राठौर की आवाज में उनकी कविता और भजन का आनंद लिया होगा। अब हम आपको 1980 के उस दौर में लिए चलते हैं जब जनता पार्टी अपनी टूट की कगार में थी और अपनी टूटने का सारा दोष मढ़ रही थी भारतीय स्वयं सेवक संघ पर। इस विषय पर रेडियो पर एक साक्षात्कार देते हुए 1980 में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने साफ कर दिया था कि 1977 में निर्मित हो रही जनता पार्टी के सदस्य के रूप में शामिल होने के दौरान उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि हम जनसंघी भारतीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य हैं। यदि हमारे इस सदस्यता के कारण आपकी पार्टी में भविष्य में कोई
दिक्कत आने वाली है तो हम आपकी पार्टी जनता पार्टी में शामिल नहीं होंगे। जनता पार्टी के अन्य सदस्य संगठन कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी, लोकदल सभी इस बात को मान गए। उन्होंने जताया कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। तब जाके जनसंघ ने इसका समर्थन किया था। क्या हुई थी यह घटना, आइए जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के साक्षात्कार को सुनकर। अटल जी, पीछे की ओर देखकर क्या इन प्रतिपक्षी दलों को पछतावा होता है कि जो एक अवसर इनके हाथ में आया था वो इन्होंने खो दिया और आपस में एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने लगे? और दलों का तो मैं नहीं कह सकता कि उन्हें पछतावा होता या नहीं होता, लेकिन जनता पार्टी के टूटने के तुरंत बाद मैंने एक लेख लिखकर सार्वजनिक रूप से ये स्वीकार किया था कि जनता पार्टी की टूट के लिए सभी दोषी, किसी एक को दोष देने से काम नहीं चलेगा। आप क्या ये पाते हैं कि आपका खंड इस मामले में अगर दोबारा मौका मिले तो पुनर्विचार करेगा उस एक प्रश्न को लेकर जिस पर कहते हैं कि जनता पार्टी टूटी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ दोहरी सदस्यता बनाने के प्रश्न पर? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ कुछ व्यक्तियों के संबंधों को लेकर जो वितंडावाद खड़ा किया गया उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। 1977 में जब जनता पार्टी का निर्माण हो रहा था तो मैंने भारतीय जनसंघ के प्रतिनिधि के रूप में यह स्पष्ट कहा था कि अगर हमारे कुछ लोगों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़े हुए होने के कारण भविष्य में कोई कठिनाई पैदा होने वाली हो तो आज हमें स्पष्ट कह दिया जाए हम जनता पार्टी में शामिल नहीं होंगे, बाहर रहकर जनता पार्टी के साथ सहयोग करेंगे। उस समय सभी दलों के प्रतिनिधियों ने, जिनमें संगठन कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी और लोकदल के प्रतिनिधि थे, यह आश्वासन दिया था कि दोहरी सदस्यता का सवाल नहीं उठेगा। वे मानते थे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक गैर राजनीतिक संगठन है और इसलिए उसकी सदस्यता का जनता पार्टी की सदस्यता के साथ कोई संघर्ष हो ऐसी स्थिति कभी पैदा नहीं होगी। लेकिन जब ये सवाल उठा और लगता यही है कि इस सवाल को लेकर जनता पार्टी टूटी, अब पीछे की ओर देखकर आप क्या महसूस करते हैं कि उस समय आपका इस बात पर अडिग रहना सही था? मुझे लगता है कि ये कहना कि दोहरी सदस्यता के सवाल पर जनता पार्टी टूटी ठीक नहीं होगा। जनता पार्टी टूटी सत्ता के व्यामोह के कारण, कुछ नेताओं की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण। दोहरी सदस्यता का सवाल उनके लिए एक बहाना था। जिस सत्ता के लोभ की आपने बात की, जनता को ये कैसे विश्वास होगा कि अगर वो विपक्ष को अपना विश्वास दे तो सत्ता का वो लोभ फिर उसे नहीं ग्रस लेगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। इसीलिए एक दल बनाने में हम जल्दबाजी करने के पक्ष में नहीं है। अगर लोगों के मन में विश्वसनीयता नहीं जमी तो वे ऐसे दल को अपना समर्थन नहीं देंगे। आप भविष्य किस रूप में देखते हैं, स्वयं आपका दल अपने पैरों पर खड़ा होकर ये चुनाव लड़ेगा या आप ऐसी आशा करते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि विपक्ष के दूसरे दल आपस में एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाएंगे और तब आप चुनाव की ओर मिलकर जाएंगे? मुझे लगता है कि तुरंत एक पार्टी बनाने की बात करने के बजाय हमें पारस्परिक सहयोग की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उपचुनाव में सीटों का बंटवारा इस तरह से हो सकता है कि आपस की लड़ाई टाली जा सके और सत्तारूढ़ दल का सीधा मुकाबला किया जा सके। लेकिन उपचुनाव में भी आपने चेष्टा करके देख ली, दूसरे नेताओं से आपके मिलने के बावजूद इस तरह का कोई समझौता संभव नहीं हो पाया जहां की विपक्षी दल ये तय कर पाते कि उनकी ओर से केवल एक प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। अब अगर सीटों का बंटवारा भी नहीं हो सकता तो अपने अपने दल को खत्म करके एक दल बनाने की बात कैसे पूरी होगी? लेकिन जब तक दल बिखरे रहेंगे, जब तक प्रतिपक्ष इस तरह टूट कर अलग अलग खंडों में बंटा रहेगा, जिस सरकार का आपने जिक्र किया, 1977 की उस जनता सरकार में विदेश मंत्री के रूप में आपने जो ठोस काम किया था, अंतर्राष्ट्रीय जगत में आज भी उसकी धाक है। उस समय की भारत की विदेश नीति में और आज की भारत की विदेश नीति में आप कुछ अंतर पाते हैं? जी हाँ, मैं अंतर पाता हूँ और उस अंतर की अनुभूति मैं बड़े दुख के साथ करता हूँ। 1977 में विदेश नीति में बिना किसी बुनियादी परिवर्तन के, क्योंकि विदेश नीति का अंतिम लक्ष्य राष्ट्र के उदात्त हितों का संरक्षण और संवर्धन होता है और ये संरक्षण और संवर्धन ये किसी दल के ऊपर निर्भर नहीं करता, किंतु हमने 77 में जनता सरकार के गठन के बाद भारत की एक ऐसी छवि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आगे बढ़ाने की कोशिश की थी जो
ईमानदारी से गुट निरपेक्षता के रास्ते पर चलने वाले भारत की छवि थी। दूसरे, हमने अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ, और हमारे पड़ोसी देश छोटे हैं और इसलिए बड़े देश के नाते हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है, सभी छोटे पड़ोसी देशों के साथ हमने एक विश्वास का वातावरण बनाने में सफलता पाई थी। अब ये दोनों उपलब्धियां हमारी खतरे में पड़ गई हैं। अफगानिस्तान के सवाल पर भारत सरकार ने जो रवैया अपनाया है उससे ऐसा लगता है कि भारत फिर एक महाशक्ति की तरफ झुक रहा है। पड़ोसी देशों के साथ तो हमारे संबंध अब मधुर नहीं है, उनमें एक तीखापन आ रहा है, खट्टापन आ रहा है। इसका कारण क्या है? क्या इसमें भारत की विदेश नीति का दोष है? भारत की विदेश नीति का दोष नहीं है, विदेश नीति को जिस तरह से कार्यान्वित किया जाता है उस ढंग का दोष है। क्या क्या न सहे हमने सितम आपकी खातिर, क्या क्या न सहे हमने सितम आपकी खातिर, ये जान भी जाएगी सनम आपकी खातिर, ये जान भी जाएगी सनम आपकी खातिर। के आलम आपकी खातिर, मंजूर है दुनिया के आलम आपकी खातिर। दीवाना बताया, लोगों ने हमें
दीवाना बताया, ऐसे भी हुए हम पे करम आपकी खातिर, ऐसे भी हुए हम पे करम आपकी खातिर। अटल बिहारी वाजपेयी जी के साक्षात्कार के बाद श्रोताओं, अब हम आपको ऐसे नायक की कहानी सुनवाते हैं जिसने भारतीय राजनीति में अपनी सशक्त भूमिका निभाई, इलाहाबाद लोकसभा चुनाव में एमपी का पद हासिल कर, लेकिन राजनीति से उसे ऐसी नफरत हो चली कि अब राजनीति में आने के लिए उनसे प्रश्न किया जाए तो वह कड़े शब्दों में कह देते हैं, बिल्कुल नहीं। अपनी जिंदगी में कई रिजेक्शन सहने वाला साथ हिंदुस्तानी से अपनी एक्टिंग के कैरियर की शुरुआत करने वाला, जिसकी आवाज को ऑल इंडिया रेडियो ने नकार दिया था, आज वह फिल्म इंडस्ट्री का एक महानायक बन गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिग बी अमिताभ बच्चन साहब की। आइए जानते हैं उनके फिल्मी कैरियर के विषय में, उनकी जिंदगी के विषय में, उनकी फिल्मी कहानी के विषय में। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी जिंदगी में बड़े से बड़ा रिजेक्शन सहा और फिर वो बन गया इस सदी का महानायक, जिसे हम अमिताभ बच्चन कहते हैं। Hey!
ये बात तो सभी जानते हैं कि फिल्म सात हिंदुस्तानी से अमिताभ बच्चन ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की, लेकिन ये कम जानते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो से अमिताभ बच्चन की आवाज को रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन फिर भी फिल्म इंडस्ट्री में उनकी पहली कमाई एक वॉइस ओवर के जरिए थी। मृणाल सेन की फिल्म भुवन शोम में अमिताभ बच्चन ने वॉइस ओवर करके 300 रुपए कमाए थे। बंगाल, सोनार बंगाल, महान बंगाल, विचित्र बंगाल, इसी बंगाल के हैं भुवन सोम, 16 आने खरे। बरसों बंगाल के बाहर रहने के बाद भी जिनका बंगालीपन नहीं गया, भुवन सोम एक विशुद्ध बंगाली। अमिताभ बच्चन की मुफलसी का दौर इस कदर था कि कलकत्ता से नौकरी छोड़कर जब वो बंबई आए तो मरीन ड्राइव के बेंच पर कुछ रातें उन्होंने काटी, यहाँ तक कि वो एक फिल्म के अंदर एक एक्स्ट्रा के रूप में काम करने को भी तैयार हो गए थे। लेकिन तभी उस दौर के बड़े मशहूर एक्टर शशि कपूर ने अमिताभ बच्चन को डांटा और कहा कि तुम बड़ी चीजों के लिए बने हो, खबरदार जो कभी एक्स्ट्रास की लाइन में खड़े नजर आए तो। लुक छिप जाओ ना, ऐसे छुप छुप मुझे सताओ ना, ऐसे छुप छुप मुझे सताओ ना, ओ मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे राजा, ओ मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे राजा, आओ मेरे गले लग जाओ ना, अले आओ ना। अमिताभ बच्चन की फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप होती जा रही थी, लेकिन तभी उनके गॉडफादर यानी कि ऋषिकेश मुखर्जी ने अमिताभ बच्चन को फिल्म आनंद के लिए साइन किया। कौन जानता था कि आनंद का बाबू मोशाय एक दिन बन जाएगा बिग बी। ये बात सही है कि अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर बॉक्स ऑफिस पर धमाल कर गई थी, लेकिन उनकी एंग्री यंग मैन की इमेज ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म नमक हराम से ही बनी थी। ये जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। 70 का दशक बड़ा ही जज्बाती था, जहां पर रोमांस फेड आउट हो रहा था और एंग्री यंग मैन आगे बढ़ रहा था। पब्लिक में एक तरफ गरीबी थी, गुस्सा था, और उस गुस्से को ट्रांसफॉर्म किया गया अमिताभ बच्चन की पर्सनालिटी द्वारा उनकी फिल्म्स में। इस साले ने सोमो पे हाथ उठाया, बोलो कौन है वो माइकल लाल जो अपनी माँ का दूध अजमाना चाहता है राजा सामने? कुत्तों कमीनो, अब हाथ उठा के दिखाओ, आओ। एक एक की खाल ना खिंचवा दी तो मेरा नाम भी विक्रम नहीं, ये सारा मोहल्ला जला के राख कर दूंगा समझे। अमिताभ बच्चन की जोड़ी एक से बढ़कर एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ बनी, चाहे वो यश चोपड़ा हो, प्रकाश मेहरा, रमेश सिप्पी या फिर मसाला सिनेमा के बादशाह जाने जाते मनमोहन देसाई। इन सभी के साथ अमिताभ बच्चन की जोड़ी ऐसी बनी कि बस बॉक्स ऑफिस पर इनका राज हुआ। एक तरफ जहां अमिताभ की अमिट आभा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जगमगा रही थी, वहीं दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन की जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जहां पर उनकी जान जाते जाते बची। मनमोहन देसाई की फिल्म कुली में अमिताभ बच्चन इस तरह घायल हुए कि ये उम्मीद कम थी कि अमिताभ की जान बच पाएगी, लेकिन जाखो राखे साइयां मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके चाहे जग बैरी होए। अमिताभ बच्चन पर यह कहावत एकदम फिट बैठी। एक तरफ तो उनके फैंस मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में उनकी अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स दिन रात एक कर रहे थे अमिताभ बच्चन की जान बचाने को। इस सब मशक्कत के बाद अमिताभ बच्चन मौत के मुंह से बाहर आए। यह
ये वो दौर था जहां अमिताभ बच्चन ने कुछ समय के लिए पॉलिटिक्स भी ज्वाइन की और एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सर्व किया और अपनी जन्मस्थली इलाहाबाद से वो एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आए। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम। एक तरफ हिंदी फिल्मों का दौर बदल रहा था, एक्शन से रोमांस की तरफ ट्रेंड बढ़ता नजर आ रहा था, वहीं अमिताभ बच्चन की फिल्म्स चाहे वो प्रकाश मेहरा के साथ हों या फिर मनमोहन देसाई के साथ बॉक्स ऑफिस पर खासा कमाल नहीं दिखा पा रही थी। इस पर अमिताभ बच्चन ने फिल्म इंडस्ट्री से रिटायर होने का फैसला किया। फिल्म खुदा गवाह के बाद अमिताभ बच्चन कुछ समय के लिए फिल्मों की जगमगाहट से दूर रहे। ये वो टाइम था जहां पर अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड नाम की कंपनी अमिताभ बच्चन और उनकी धर्मपत्नी जया बच्चन ने शुरू की और इस कंपनी की शुरुआत के बाद लगा कि अमिताभ बच्चन का सितारा पूरी तरह डूब चुका है। कंपनी बैंकरप्सी की तरफ बढ़ रही थी। सारे बदन में जहर चढ़ गया। अमिताभ बच्चन को एक और रियलाइजेशन हुआ कि वो सिर्फ एक्टिंग के लिए बने हैं, शायद बिजनेस के लिए नहीं, और इस बार वो नजर आए छोटे पर्दे पर कौन बनेगा करोड़पति के पहले सीजन में। कौन बनेगा करोड़पति अमिताभ बच्चन की डूबती नैया के लिए तिनका बनकर आया था और मझधार से निकालकर अमिताभ बच्चन को फिर से सुपरस्टारडम की तरफ ले चला। दौलत और जवानी एक दिन खो जाती है, सच कहता हूँ सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है। दौलत और जवानी एक दिन खो जाती है, सच कहता हूँ सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है। उम्र भर दोस्त लेकिन साथ चलते हैं। और आज इस उम्र में भी अमिताभ बच्चन बहुत सारे यंग हीरो से कहते हैं कि बुढ़ा होगा तेरा बाप। खूब नाचना है, गाना है, नौजवानी का जमाना है, आज कुछ करके दिखाना है, आज कोई चक्कर चलाना। I can talk English, I can walk English, I can laugh English, because English is a very funny language. Bhairo becomes Byron and Byron becomes Bhairo because their minds are very narrow. Because their minds are very narrow. Because their minds are very narrow. Excuse me, please. Mere pitaji kaha karte hain that the whole country of the system is a position of the hemoglobin in the atmospheric pre... Atmospheric pre... Atmospheric pre... Hey! 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 You see, sir, debating on the diabolic diagnosis of decisive deliverance, a papad is a rhythmic rhyme replica of a jhapad, where one relishes your hunger and the other relishes your anger. Similarly, sir, Bachchan is also a rhythmic rhyme replica of Bol Bachchan, where one represents a magnanimous name, while the other represents a horrendous game. बोल बचन का कतरा खतरा, बोल बचन की भाषा झांसा,
इसकी ताल ताल है सतरंगी, चाल ढाल है अतरंगी, दिन में भी दिखा दे ये तारे रंग बिरंगी। बोल 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 बच्चन, बोल 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 बच्चन, सुन सुन बोले क्या बच्चन, बोल 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 बच्चन, सुन सुन बोले क्या बच्चन। फिर वही ढक्कन जिसने छेड़ाया सरगम, क्या बात, उसकी झोली में सावम, जिसको समझे तू औसम, आफत का है या मौसम, जिसने भी किया ये आइटम, लटका जैसे पेंडुलम, पेंडुलम पेंडुलम, वाह वाह वाह, क्या छोड़ दिया, छोड़ दिया कल कल, पेंडुलम मेरे पिताजी कहते हैं कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता। हाँ, लेकिन ऐसा ही तू बोल बच्चन करता रहेगा तो एड़ी से सर तक दर्द होगा। Yeah, yeah, you talking not right, and body pain from tow truck to headlight. चोल जाल के पनघट पे बहती है झूठ की नदिया, वहां से सीधे हाथ पे है छल कपट की डगरिया। चोल जाल के पनघट पे बहती है झूठ की नदिया, वहां से सीधे हाथ पे है छल कपट की डगरिया। बड़ी शेंकी शेंकी ये पग डंडी, विनाश काली विपरीत बुद्धि, तेरा भर गया घड़ा अब भरेगा क्या तू टंके। बोल 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 बच्चन। मेरे पिताजी कहते हैं कि दारू पीने से लिवर खराब होता है, और मैं कहता हूँ कि बोल बच्चन से कुछ खराब नहीं होता। लाओ टंकी, गड़ी गड़ी ड्रामा करता है। अरे ऐसे ही बोल बच्चन करता रहेगा तो आसमान से गिरेगा, खजूर में अटकेगा। Yeah, yeah, falling from skyscraper, hanging into dry fruit and nut. Bol 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 bachchan, sun sun bole kya bachchan. Bol 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 bachchan, sun sun bole kya bachchan. Bol 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 bol, bol 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 bol, bol 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 bol, bol 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 bachchan, bol 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 bachchan, sun sun bole kya bachchan. Bol 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 बच्चन, सुन सुन बोले क्या बच्चन, बोल 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 बच्चन, सुन सुन बोले क्या बच्चन, बोल 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 बच्चन, सुन सुन बोले क्या बच्चन। यू सी सर, द होल कंट्री ऑफ द सिस्टम ये है कि हम फिल्म में है नहीं, सिर्फ नाम है हमारा बच्चन। आप सुन रहे हैं सतरंगी सफर, आजे विनोद के साथ। मदर टेरेसा के बाद 1997 से 2009 तक मिशनरीज ऑफ चैरिटी की सुपीरियर जनरल रही पद्म विभूषण से विभूषित सिस्टर निर्मला का कल निधन हो गया, और आज उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। निश्चित रूप से इस घटना से सारा समाज शोकाकुल है, और हम आरजे विनोद अपनी ओर से, अपने श्रोताओं की ओर से, रेडियो उड़ान की टीम की ओर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हैं। श्रोताओं, वक्त नहीं करता किसी का इंतजार, घड़ी की सुइयां कह रही हैं अब ले लें हम आपसे विदा। विदा लेते हुए हमेशा की तरह हम आपसे यही कहेंगे कि www.radioudaan.com पर जाकर सेलेक्ट करें फीडबैक फॉर्म, और सेलेक्ट करें अपना सतरंगी सफर कार्यक्रम, और उसके एडिट बॉक्स में प्रकट कर दें अपने विचार। आपके विचार
हमारी कमियों को करेंगे दूर और आपके सतरंगी सफर कार्यक्रम को और अच्छा कर पाएंगे हम। तो निश्चित रूप से हमेशा की तरह हर बुधवार शाम 8 से 9, बृहस्पतिवार दोपहर 3 से 4 सुनते रहें सतरंगी सफर। इजाजत दें इस मधुर गीत के साथ, शुभ रात्रि, नमस्कार, शब्बा खैर। से भरी है ये जिंदगी, तुम्हें कैसी मिली है ये जिंदगी, जरा जी के तो देखो, इसे जी के तो देखो। आंसू भी हैं, खुशियां भी हैं, कांटे भी हैं, कलियां भी हैं, दुख सुख से भरी है ये जिंदगी, तुम्हें कैसी मिली है ये जिंदगी, जरा जी के तो देखो, इसे जी के तो देखो। सोचो कि कितना मिला, सोचो बहुत मिला हमें जितना मिला, ये मत सोचो कि कितना मिला, सोचो बहुत ना मिला। किस्मत किस्मत कहो ना, मेहनत मेहनत करो, के रोना भी है, हंसना भी है, पाना भी है, तरसना भी है, नहीं इतनी बुरी है ये जिंदगी, तुम्हें कैसी मिली है ये जिंदगी, जरा जी के तो देखो, इसे जी के तो देखो। हल्की भी है ये भारी भी है, जी मीठी भी है,
खारी भी है, हर पग पे नई है ये जिंदगी। तुम्हें कैसी मिली है ये जिंदगी, जरा जी के तो देखो, इसे जी के तो देखो।